तरंगई लहरों से संगम मिलन प्रायद्वीप है प्रायद्वीप मत्स्यजीवी ने मछुआरे तीसरी सू तीनों दिशाओं में बंगोपसागर बंगाल की खाड़ी विदेशी पर्यटक विदेशी पर्यटकों के लिए विदेशी व्यापार आए विदेशी व्यापार के लिए चंद्रोदय चंद्रमा का उदय होना। क्वेश्चन नंबर टू देखो अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तर लिख जो नीचे लिखे हुए हैं ना इन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। जना का भी जल विहारण कुर्वन्ति जना नो का भी जल विहारण कुर्वन्ति भारत से दीर्घतम समुद्र तट है भारत से दीर्घतम समुद्र तट है मेरीना तट यानी भारत का जो है सबसे बड़ा समुद्र तट का नाम क्या है मेरीना तट है ठीक है। जना कुत्र स्वैरम विहरन्ति जना जुहु तटे स्वैरम विहरन्ति बालका बालुका भी किम रचयन्ति बालका बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति ठीक है ना बालू के घर बनाते थे। कोची तट है केफे ज्ञायते कोची तट है नारिकेल फलेफे ज्ञायते। क्वेश्चन नंबर थ्री है मंजूषा पदानी चीत वाली स्थानीय पूरी यानी मंजूषा से चुनकर स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। कन्याकुमारी तटे तेलंगाणाम सागराणाम खाली स्थान बहुती तो कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का क्या होता है मिलन होता है ना इसमें आएगा संगम है। भारत देश से खालिस्तान की भी कहते थे भारत देश खालिस्तान कहते हैं भारत देश को क्या कहते हैं प्रायद्वीप है ठीक है प्रायद्वीप। जना समुद्र तट पर खालिस्तान आगच्छन्ति लोग समुद्र तट पर किस लिए जाते हैं पर्यटनाय ठीक है। बालेभ्य खालिस्तान रोचते बालेभ्य क्रीडा रोचते भारत से पूर्व दिशायां खालिस्तान अस्ति तो भारत के पूर्व दिशा में खालिस्तान क्या है बंगाल की खाड़ी है तो इसमें आएगा बंगोप सागर है। यथायोग्यम योजयत इनको बेटा मिलान करना है इनका समुद्र तट है पर्यटनाय क्रीडनकम खेलनाय दुग्धम पोषणाय दीप्तः प्रकाशाय विद्या ज्ञानाय जिस चीज से जो मिलता है इसमें वही मिलान कर देना है समझ आ रही है ना। क्वेश्चन नंबर फाइव है तृतीय विभक्ति प्रयोगेण स्थानानि पूरयत इसमें तीसरी विभक्ति का प्रयोग करना है बेटा खालिस्तान में जैसे बालिका खालिस्तान से पठन्ति तो इसमें बालिका है इसमें तीसरी विभक्ति क्या आएगी बालिका की बालिका भी तड़ाग खालिस्तान की भांति कमल तो कमलई अहम भी खालिस्तान खेलामी तो कंदुक दे रखा इसमें कंदुकेन अश्वा खालिस्तान से धावंती अश्वई जैसे तुम रूप पढ़ते हो ना तीसरी भक्ति कैसे आई जैसे इसमें अश्वई में एक ही बता देती हूँ आपको देव का रूप पढ़ोगे जैसे कोई भी रूप लगा लो देव देव देवा देवम देव देवान देवेन देवाभ्याम देवई आ गई ना तीसरी लाइन में देवई तो बेटा इसी प्रकार तीसरी भक्ति में जो दे रखा ना दीपक का नाइसका अश्वई अश्वय का अश्वई हो जाएगा ठीक है। मृगा खालिस्तान से चरंती तो मृग दे रखा है इसमें तो मृग हम मृगों के साथ चल रहे थे तो इसमें आएगा मरी गई तीसरी भक्ति में। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत उदाहरण अनुसारेण कोष्ठकदयी शब्दयी उचित वाक्यानि पूरयत ठीक है। इसमें जो ये कोष्ठक दे रखा है ना तालिका बना रखी है पूरी इसमें जो सर्कल सा दे रखा है दिख रहा होगा सबको इस सर्कल में से हमें वाक्य बनानी है। जैसे रहीम है एक वाक्य देखो रहीम है बीच में दे रखा है रहीम तो सभी में आना ही है बेटा तो जो ये नंबर वन देखो फर्स्ट वाला मित्र से कृति इसमें आएगा रहीम है मित्रेण से कृति यानी रहीम मित्रों के साथ खेलता है। अगली जो है उसमें रहीम है सेकंड लाइन दे रखा ना रहीम द्वि चक्रिका आपणं कस्ति इसमें आएगा रहीम द्वि चक्रिका आपणं कस्ति। अगला है रहीम है कलम पत्र लिखति तो इसमें रहीम है कलमे पत्रम लिखति। अगला है रहीम है हस्त कंदुकम शिप्ति इसमें आएगा रहीम है हस्तेन कंदुकम शिप्ति ठीक है। सब में जो है तीसरी भक्ति का इसमें तीसरी भक्ति में जो है चेंज हो जाता है रहीम है नौका जल विहारम करोति रहीम है नौका भी जल विहारम करोति इसमें है फिर रहीम है चस्के जलम पिबति इसमें आएगा रहीम है चस्के जलम पिबति। अगला है रहीम है तूली का चित्रम रचयति इसमें रहीम है तूली कया चित्रम रचयति रहीम वायुयान है आवश्यक
रही मैं वायु आयेन है आगछत। समझ आ रही है ना बेटा? अगला है कोष्ठात उचित पद प्रयोगेण दिक्स्थानानि पूरयत्। यानी कोष्ठक में दे रखे हैं, साइड में ब्रैकेट में दे रखा है ना, इनमें से जो भी उचित है उसी वही आंसर हमें देना है। जैसे धनी के खाली स्थान धनम बताती, तो इसमें क्या आएगा? निर्धनाय, यानी निर्धनम और निर्धनाय जो दे रखे हैं तो इसमें आएगा निर्धनाय धनम ददाति। बाले खालिस्तान विद्यालयम अस्ति, तो बाले पठनाय। सजना खालिस्तान जीवन्ति, इसमें परोपकारम और परोपकाराय दे रखा है तो इसमें आएगा परोपकाराय। प्रधानाचार्य खालिस्तान पारितोषिकम यच्छति, इसमें छात्राणाम और छात्रेभ्य दे रखा तो इसमें आएगा छात्रेभ्य। प्रधानाचार्य छात्रेभ्य पारितोषिकम यच्छति। खालिस्तान नमः है शिक्षकाय या शिक्षकम, तो शिक्षकाय नमः है। ये बेटा आपके क्वेश्चन आंसर थे। समझ में आए सभी को? yes.